लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। अज्ञात वाहन की टक्कर से काफी हद तक क्षतिग्रस्त हुआ हनुमान जी का मंदिर। थाना उत्तर क्षेत्र रामलीला चौराहे के पास की है घटना। मंदिर महंत व कई लोग हुए एकत्रित। मौके पर पहुंची थाना पुलिस भी और ली मामले की पूरी जानकारी। रामलीला चौराहे के पास स्थित पीपल वाले हनुमान जी के मंदिर में बीती देर रात अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया। सुबह वहां से जब आते जाते लोगों का निकलना हुआ तब पता चला। जानकारी होते ही काफी संख्या में लोग व मंदिर महंत भी पहुंच गए। अन्य लोगों की भीड़ भी एकत्रित हुई। वहीं पता चलते ही थाना उत्तर पुलिस भी मंदिर स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान मंदिर महंत ने बताया कि आसपास के लोगों से आज सुबह 6 बजे करीब पता चला कि मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं हिमांशु अग्रवाल का कहना था कि किसी अज्ञात वाहन ने बीती देर रात टक्कर मारी है और उनका पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि यहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो तो होने वाली घटनाओं का पता लग सकेगा। इस रोड पर पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं, इसलिए अब जरूरी हो गया है कि यहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने घटना की पूरी जानकारी ली। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। भैया आप? जी, मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है। मैं हनुमान रोड दुर्गा नगर का निवासी हूँ। रात को 2 बजे के बाद कोई अज्ञात ट्रक वाला इस मंदिर को ना टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भीषण है, आप देख सकते हैं पूरा मंदिर धराशायी हो गया है। कोई भी दीवार सुरक्षित नहीं है, बस हनुमान जी की मूर्ति सुरक्षित रही है, बाकी का इस मंदिर को कुछ नहीं बचा है। ट्रक वाले को पकड़ा गई है कि नहीं? अभी पता लगाने की कोशिश करी जा रही है वो ट्रक वाला किस ट्रांसपोर्ट कंपनी का है। जैसे ही पता चलेगी उसके नाम रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत नाराजगी है। आपका महेश पंडित जी, क्या मामला है? आखिरकार मंदिर कैसे टूटा? सुबह मालूम पड़ा है 6 बजे आपको मंदिर टूट गया। हम जब लोग आए हैं तो बताया गया है रात को ट्रक वाला टक्कर मार गया था। उसके बाद 4 गाड़ी भी आई पुलिस वालों में और इंक्वायरी करके ले गई।